जय हिंद दोस्तों, 30 दिन की जर्नी का आज 29वां दिन आ गया है। बिल्कुल मंजिल सामने दिख रही है और आज हम यहाँ श्रीनगर में अपनी परमिशन वगैरह सॉर्ट आउट कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे 15 अगस्त LOC कश्मीर पे तिरंगा लहराने जवानों के साथ। शुरुआत हमने कन्याकुमारी से की थी, फिर कोची, बैंगलोर, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर और श्रीनगर हम पहुंच गए हैं और आगे LOC तंगधार पे हमें निकलना है और वहां पहुंच के अपना तिरंगा लहराना है। आप लोगों का प्यार जो बना हुआ है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि समय से पहुंच के मैं अपना गोल अचीव करूं। डोनेशंस आपकी दिन ब दिन आए जा रही हैं, 10 लाख का हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने में आपकी मदद की मुझे ज़रूरत होगी। आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ एक्टिविटी करके यहाँ निषाद गार्डन वगैरह में, और लाल चौक से आपको सलाम दूंगा क्योंकि आज हमें वो परमिशन वगैरह का करके और कल निकल जाना है सुबह सुबह। तो अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या किया जा सकता है। डल लेक आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, शानदार। फौज की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि बिना कंसर्न के आज मैं यहाँ आया, आराम से बस में, गेस्ट हाउस से मैं बस में बैठ के यहाँ पे उतर गया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इतनी बिना कंसर्न के श्रीनगर में जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वो सब फौज की बदौलत है। घर से निकलने से पहले जैसे दिल्ली मुंबई में नहीं सोचते, वैसे ही आज श्रीनगर का माहौल है, ऑल थैंक्स टू इंडियन आर्मी। और अगर आप भी ऐसे प्राउड हैं इंडियन आर्मी के लिए तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सीन है और आपको नज़ारे दिखाता हूँ श्रीनगर, जो हेवन कश्मीर जिसको बोलते हैं उसके। तो चलो, तो यार मैं जा तो निषाद गार्डन की तरफ रहा था लेकिन मगर हम पनीर के पकौड़े निकलते हुए और चाय, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। यार मैंने सोचा है यार निषाद गार्डन में आज अपने आईफोन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की बढ़िया फ़ोटो खींचता हूँ, बदले में अगर उनको पैसे देने होंगे तो दे देंगे, क्योंकि इससे अच्छी एक्टिविटी इस जगह पे मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि और कोई फ़ोटो खींचने वाला नज़र नहीं आ रहा। फ़ोटो ले लिए मैंने, अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे हो गए लोगों ने, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे दे दिए, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे दे दिए।
ऐसा ही होता है जब कोई कंपटीशन साथ में ना हो, तो अकेला मैं ही यहाँ पे फ़ोटो खींचने वाला था और लोगों की बढ़िया मेमोरीज़ मैंने बना दी है। हमको भी थोड़ा फ़ायदा हो गया क्योंकि आगे हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो मैंने पता किया था 1200 की गाड़ी मिलेगी हमें। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, एनर्जी गेन कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे लाल चौक की तरफ और फिर आपसे बात करूँगा। अभी मैं फिर यहाँ थोड़ा घूमूंगा और उसके बाद जाऊंगा परमिशन का सॉर्ट आउट करने, क्योंकि थोड़ा शूटिंग करनी है ऐसी सेंसिटिव एरिया में तो थोड़ा परमिशन ज़्यादा लगती है। कुछ परमिशन हमारे पास ऑलरेडी थी, कुछ और लेनी है, तो उसके बाद जब सब फिगर आउट हो जाएगा तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के लिए जो हम 10 लाख रुपए रेज कर रहे हैं उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि 5 लाख के करीब हम रेज ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 अगस्त पे मैं तिरंगा लहराने वाला हूँ LOC पर, आपको दिखाऊंगा पूरा नज़ारा, तो बने रहना सीरीज़ में। दिस इज़ कैप्शन। 30 दिन की जर्नी का आज 29वां दिन है और कल हम अपने गोल की तरफ निकल जाएंगे, तो आप बने रहिए सीरीज़ में क्योंकि फिनाले बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और मैं मंजिल तक पहुंच के आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। दिस इज़ कैप्टन शशांक साइनिंग ऑफ। जय हिंद। इस जिंदगी का पहर नहीं शांत रहे ऐसा कोई शहर नहीं, जिससे शांति मिल जाए ऐसा बनता क्यों जहर नहीं। आके सर तुम ये जान लो LOC को अब पहचान लो, फौजी मरते हैं रोज वहाँ उनकी इबादत पे शान करो। उसको जलाया था अंग्रेजों ने बुझाना हम तो भूल गए, 3 लड़ाइयां अब तक हो चुकी उसमें शहीदों को हम खो गए, शहीदों को हम खो गए, हम भारत को तो खो गए, 47 से पहले भारत था उसको हम खो गए, मेरे भारत को तुम खो गए, मेरे भारत माँ को खो गए, भारत को तुम खो गए, सबको यहाँ लड़ा के बेटा तुम सब सारे सो गए, खो गए।